नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। जेएनयू फिर विवादों में है। विवादित ढांचा टूटने के 29 साल के बाद जेएनयू कैंपस में 6 दिसंबर सोमवार को छात्र संघ ने इस घटना के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च किया। आरोप है कि इस दौरान नारा लगाया गया, नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं करेंगे दादरी, फिर बनाओ बाबरी। रिपोर्ट के मुताबिक जेएनयूएसयू की तरफ से 6 दिसंबर की रात एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया, जिसमें अयोध्या की बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाने और दोबारा बनाने की मांग की गई। ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू में इस तरह के विवाद हुए हों और जेएनयू विवादों में आया हो। अब इस मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल मास्टर तारा सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट जसविंदर सिंह मलसिया का भी बयान सामने आया है। जसविंदर सिंह मलसिया ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, 6 दिसंबर को जो जेएनयू में नारे लगे हैं रात को, एक बार फिर दोबारा से जेएनयू सुर्खियों में आ गया कि बाबरी मस्जिद वहीं बनाएंगे, आज़ादी लेके रहेंगे। ये एक देश के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। सरकार को और सुरक्षा एजेंसियों को इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सब समस्या का समाधान हो गया, उसके बावजूद भी कोई ऐसी ताकतें हैं जो उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से ये काम करवा रही हैं, क्योंकि ये उनके अकेले का बस के नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं। मैं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर से मांग करता हूँ कि इसकी पूरी तरह से जाँच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसे देश विरोधी नारे ना लगा सके जिससे माहौल ख़राब हो। जो 6 दिसंबर को जेएनयू में हुआ है, जो अध्यक्ष साहबा ने किया है और जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, मैं उनके टीवी में इंटरव्यू सुन रहा था, वो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये काम हुआ। देश का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई आपस में सारे भाई भाई हैं हम लोग, हम एक जगह पे रहना चाहते हैं। जब बाबरी मस्जिद, अयोध्या, राम जन्मभूमि का मसला हल हो गया था, तो ये नारे लगने बहुत ही गलत हैं और देश के लिए एक खतरे की घंटी है। सरकार को इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि माहौल ख़राब ना हो सके।